हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मसाला छाछ की रेसिपी। मसाला छाछ बनाने के लिए हम लेंगे सादा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, एक हरी मिर्ची, काली मिर्च पाउडर, पुदीना पत्ता और हरा धनिया और दही ले लेंगे। ये एक गिलास पानी ठंडा और कुछ आइस क्यूब्स, क्योंकि मसाला छाछ ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। तो आइए बनाते हैं। मसाला छाछ बनाने के लिए मिक्सर जार लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून हरा धनिया पत्ती, 2 टेबल स्पून पुदीना पत्ता, इनको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है मैंने, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, यदि आप पसंद करते हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाला छाछ में। सादा नमक टेस्ट के अनुसार या 1/2 छोटी चम्मच, काला नमक 1/2 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, इनको मैंने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है, यह है 1/3 चम्मच। यह आप जितना पसंद करते हो काली मिर्च पाउडर उतना डाल सकते हो, नहीं करते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अब हम डालेंगे थोड़ा सा दही, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा दही डालना है, इसके बाद इसे फेंट लेना है, इसे ग्राइंड कर लेना है, जिससे ये जो अपने पत्ते डालें पुदीना पत्ता और हरा धनिया पत्ती, ये अच्छे से पिस जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ढक्कन बंद करके इसको ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल बारीक। तो देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, हमने इसको फेंट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने दही लिया है 1 कटोरी, उसको डाल देंगे बचे हुए दही को। तो ये मैंने 300 ग्राम दही लिया है, इसको घर पर कैसे जमाते हैं परफेक्ट तरीके से, उसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर देखकर आप घर पर ही दही बनाकर तैयार कर सकते हो। तो हम इसमें डाल देंगे, ठंडा पानी ही हमें इसमें डालना है, तो मैंने 1 कटोरी पानी डाला और 1 कटोरी दही लिया है इसमें, और कुछ आइस क्यूब्स भी डाल देंगे हम इसमें, क्योंकि ये ठंडी ठंडी अच्छी लगती है मसाला छाछ। तो हम आइस क्यूब्स लेंगे, डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे, फिर से फेंट लेंगे। आप मथनी से भी बना सकते हो और इस तरीके से मिक्सर जार से भी बना सकते हो। तो अब हमने इसको फिर से फेंट लिया है। तो ये हमारी मसाला छाछ बनकर तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाकर तैयार करनी है। तो ये हल्की गाढ़ी लग रही है, आप जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैं छाछ बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, इसमें 1 गिलास मैंने पहले डाल दिया है, तो 2 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें, या 2 कटोरी और 1 कटोरी दही, ये परफेक्ट तरीके छाछ बनकर तैयार होगी। ऐसी ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, वैसे आप जैसी पसंद करते हो गाढ़ी पतली, उस हिसाब से रख सकते हो। तो अब हम इसको सर्व कर देंगे गिलासों में, अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। आप इसको थोड़ी देर के लिए फेंट भी सकते हो, या चम्मच की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो पानी डालने के बाद, क्योंकि ये हमने अच्छे से फेंट लिया तो आसानी से पानी मिक्स हो जाएगा इसमें। तो देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है छाछ की, मसाला छाछ की बहुत टेस्टी लगती है, और गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो इसमें ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अब हम गिलास लेंगे और इसमें इसको ठंडा ठंडा ही सर्व कर देंगे, एक एक आइस क्यूब्स डालेंगे हम गिलासों में, आप जितना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हो, ठंडी और कम ठंडी। तो अब हम इसमें सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, ये हमने इसमें सर्व कर दिया है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। इन गर्मियों में आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, और इसको डेली भी बनाकर पी सकते हो, बहुत फ़ायदा करती है, और ये बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पसंद आने वाली है। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, इससे बहुत अच्छी लगती है जब हम किसी को, आप गेस्ट को भी पिला सकते हो, आप खुद भी पी सकते हो इसको इस तरीके से बनाकर। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और पुदीना पत्ती को मैंने बारीक काट लिया है, इससे हम इसको गार्निश कर देंगे। तो देखिए, देखने में इतनी
टेस्टी लग रही है, तो पीने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो अब हम इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।